हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया सुशील सिंह ब्लॉग्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज है ज्योत पुत्रिका व्रत का फास्ट, तो मैं भी आज फास्ट रख रखी हूँ। तो आप सभी लोगों को ज्योत पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन लोगों ने किया है उनको भी, और जिन लोगों ने नहीं किया है या जिनके यहाँ नहीं होता उनको भी। सभी के बच्चे सही सलामत रहे, हमारी यही कामना है। तो इस व्रत में आज के दिन 24 घंटा हम निर्जला व्रत रखते हैं, पानी भी नहीं पिया जाता इस व्रत में, और बाल में कंघे भी नहीं करते। हमारे यहाँ का ये नियम है कि कंघे भी नहीं करते। ऐसे मैंने आता है कि हम बाल में कंघी करते हैं और हमारी बाल टूटती है, तो उसमें मतलब कि बच्चे के लिए सही नहीं होता। तो एक दिन तो बिना कंघे किए हुए भी चल जाएगा, तो मैं कंघी आज मैं नहीं की हूँ। और आज के दिन लोग ऐसे बोलते हैं कि ब्रूश भी नहीं करना चाहिए, तो मैं तो ब्रूश कर ली हूँ। और कंघी मैं भोर में उठी थी शर्गी खाने के लिए, तो मैं कंघी कर लिया था बाल में। और बहुत जगह है कि आज के दिन डाली भरी जाती है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, तो हम बिल्कुल डाली वाली नहीं भरते। बांस की टोकरी आती है, उसमें फल फ्रूट वगैरह सब कुछ भर के रखा जाता है, तो मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता। मेरे यहाँ सिंपल तरीके से होती है। मेरे यहाँ लोग 24 घंटे फास्ट रखते हैं और 3-4 बजे के टाइम में नहाकर, और बेलपत्र वगैरह होता है वो पूर्वजों को अर्पित करते हैं, जो लोग अब नहीं है इस दुनिया में उनको अर्पित किया जाता है। जो वो बेलपत्र होते हैं, फल फ्रूट होते हैं, वो सब उनको अर्पित किया जाता है। और शाम के टाइम में जीत जीत वाहन का कहानी सुनी जाती है, पंडित जी को बुलाया जाता है, कहानी सुनी जाती है, और अपने श्रद्धा अनुसार जो कुछ भी है वो चढ़ाया जाता है। लेकिन मैं सिंपल तरीके से शाम को कहानियाँ सुन लूँगी, क्योंकि मैं वो नहीं की हूँ जो पूर्वजों को दिया जाता है बेलपत्र वगैरह, वो मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं हो रही है वो सब कुछ करने की। क्योंकि उस चीज़ में हमारे हस्बैंड भी शामिल है, जो मुझे उनके लिए भी ये सब करना है, तो हमारी हिम्मत इतना नहीं हुई कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकूँ। मैंने अपने घर पर पूछा था लोगों से, तो उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं है, आप सिंपल तरीके से कर लेना, आप पूजा कर लेना और कहानी सुन लेना, तो सिर्फ मैं वही करूँगी। और इसमें जीतिया पहना जाता है, सोने का हो या चांदी का हो, जिसको भाई जिसको जिस हिसाब से मतलब कि पॉसिबल हो सके वैसे करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ जीतिया मतलब कि जो गले में सोने के डालते हैं वही नहीं चलता है। हमारे पूर्वजों में कुछ ऐसा हो गया था जिसके वजह से सारी चीज़ें नहीं होती है। जब से लोग मानने लगे, कुछ ऐसा घटना हो गया था जब से कोई नहीं पहनता। किसी के कोई गिफ्ट में दे देता है तो वो पहन लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पहनते। मैं भी इसी वजह से अभी तक ये चीज़ नहीं बनवा रखी हूँ, कि कहीं ऐसे होता डर हो जाता है ना मन में कि शायद कुछ ऐसा की तो कुछ गलत ना हो जाए, तो इसी वजह से मैंने भी अभी तक नहीं कर रखा है। और इसका पारण जो होता है वो कल होकर 24 घंटे के बाद होता है। फिर जैसे नहा कर फिर पूर्वजों का पूजा करते हैं, फिर वो होता है चील शियारो ये सब जो बोलते हैं उनको खाना दिया जाता है, फिर जीत जीत वाहन का भी पूजा करके, फिर उसके बाद हम केले के पत्ते या झुगनी के पत्ते जिसके हम सब्जी बनाए थे वैसे पत्ते पर उनको खाना वाना देते हैं। एक तरफ मायके का खाना, मायके के पूर्वज पूर्वज होते हैं उनको दिया जाता है, एक तरफ जो ससुराल के पूर्वज होते हैं पितृदेव वगैरह उनको दिया जाता है। तो दोनों तरफ मायके और ससुराल दोनों तरफ के पितर को खाना देकर और सब कुछ करके उसके बाद इसका मतलब कि ये व्रत तोड़ा जाता है। तो इस व्रत को हमारे यहाँ ना वो जो मटर होता है ना सफ़ेद मटर, उसका छोटा भाई होता है किराव, वो मतलब कि बिल्कुल छोटे छोटे उसके दाने होते हैं हरे कलर के, उसको फुला के रख देते हैं हम लोग। और जिससे
के जितने बच्चे हैं उस हिसाब से उसे मतलब कि निगला जाता है, चबाया नहीं जाता। जैसे जिनके दो बच्चे हैं तो वो दो निगलेंगे, जिसके चार हैं वो ऐसे हिसाब से होता है। और जो सारी चीजें होती है वो पंडित जी को फिर हम दान में दे देते हैं, पंडित जी आते हैं वो लेकर चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, और सभी जगह का थोड़ा बहुत अलग अलग नियम है, तो ऐसे सभी लोग करते हैं। आई होप आप लोग की ये जानकारी छोटी सी अच्छी लगी हो।